जब हम लोग इस वीडियो में कवर करें जो कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वीडियो का ये फोर्थ पार्ट, जिसमें कि फोर मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कल हमने दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस जो किया वो था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक, तो आज हम फोर इस मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे इससे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब कंबाइंड होकर के जो रिएक्शंस हो और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर ये माने ए और बी, ये दो एलिमेंट्स या सब्सटेंस एक साथ मिलकर के कंबाइंड होकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे देख लीजिए उसको, अगर देखा जाए कि अगर हमने ए और ये दो डिफरेंट सब्सटेंस एक साथ कंबाइंड होकर के, ये दो डिफरेंट सब्सटेंस एलिमेंट्स जो भी केमिकल्स, जब इनको एक साथ कंबाइंड किया गया तो ये एक नए प्रोडक्ट का फॉर्म कर दिए लाइक दिस। तो इस नए सबस्टांस का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर केमिकल्स कंबाइन टू फॉर्म a new single product। ठीक है, जैसे यूज करिए क्या कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो जो फॉर्मेशन हुआ CO2, मतलब हमने यूज किया दो केमिकल्स कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स और फॉर्मेशन हुआ एक सिंगल प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक, इसका रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट ये डीकंपोज होकर के दो डिफरेंट केमिकल्स के फॉर्म में, यानी दो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए, मतलब जैसे कि अगर ये अगर मान लीजिए हमारा कोई सिंगल सब्सटेंस, तो इसको जब हम ब्रेक करें, मतलब इसको रिएक्ट करें जो हीट देकर के चाहे जैसे भी, तो ये क्या होगा कि हमारा दो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा। था क्या हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस, इसको हमने रिएक्ट किया हीट किया चाहे जैसे भी हो, हमारे पास दो सब्सटेंस निकल करके आए, मतलब इसके डिकम्पोज होने की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से हमें ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो। इसको डिफाइन कैसे करें, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू टू प्रोडक्ट। इसमें क्या अगर देखें तो टू और मोर देन टू और मोर देन टू केमिकल्स एक साथ कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म किया। यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट जो था डिकम्पोज होकर के इनटू टू और देखा है टू और मोर प्रोडक्ट उसी तरीके का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम क्या करें हीट करें, जैसे हमने ये हीट किया इसमें तो ये हुआ क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन किया। तो इसमें हम देखे क्या कि एक सिंगल रिएक्टेंट हमने यूज किया कैल्शियम कार्बन, जैसे हमने उसको डिकम्पोज किया विद द हेल्प ऑफ हीट वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में डिकम्पोज हो गया, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इजी,
क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से एग्जाम्पल दिए रहे और आपसे पूछे जा रहे ये क्या है। तो अब देखिए, जो हम लोग बताया था गैस लिबरेशन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, डिस्प्ले। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि अगर मान लें कि ये ए और ये बी से दो, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा ए है वो बी को यहां से डिस्प्लेस करेगा सी के पास और बी का पोजीशन ले सकते हैं लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, और बी को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। मतलब जो ये मेथड, अब इसके लिए कंडीशंस क्या होता है, ये जो रिएक्शन यानी जो रिएक्टेंट होता है यानी ए, वो इस पार्ट का जो बी है उससे ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ए मोर रिएक्टिंग मैटर डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मैटर, यानी कि एक जो मोर रिएक्टिव मैटर होगा वो लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस करेगा। अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव क्या होता है, जब हम आगे के जो चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी से। अब इसमें क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो फिर इसका एग्जांपल कैसे देते हैं, तो अगर जैसे मान लें हमने यूज किया जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जैसे हमको पता है जिंक जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव, तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिलीज करेगा और जाकर के कॉपर का खुद पोजीशन लेगा, मतलब इस तरीके से ZnSO4 जिंक सल्फेट और वहां से कॉपर को क्या करेगा, पीपीटी के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। और इसके कुछ एग्जांपल ये हैं, जैसे आयरन को लेंगे, हमने आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 प्लस वहां से कॉपर भी करेगा। मतलब ये जो हम यूज कर रहे हैं जिंक आयरन और ये कॉपर, मतलब इन तीनों में देखा है तो जिंक हाइड्रेटेड, देन आयरन, उसके बाद हमारा कॉपर है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी मेटल हमने यूज किया हुआ है वो उसके सल्फेट से क्या करेगा, वहां से ये कर देगा डिस्प्लेस कर देगा। आपको याद रखना होगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो मेटल्स होना चाहिए अगर वो मोर रिएक्टिव है तो ही जाकर उसको डिस्प्लेस करेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए जैसे इस कॉपर सल्फेट को ना लिख कर दिया, अगर हमने कुछ इस तरीके का इक्वेशन यूज कर लिया जैसे कॉपर, ठीक, अब कॉपर को हम क्या करें जिंक सल्फेट के साथ लिख, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको दिया रहे ये फॉर्म करें कॉपर सल्फेट प्लस ZN कुछ इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना है ये जो हमने कॉपर यूज किया है, ठीक है, और ये जिंक, इन दोनों में हमारा जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और ये कॉपर कभी भी जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करेगा और इस तरीके का रिएक्शन बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो हमारा मोर रिएक्टिव नहीं है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, पर कभी हमारा ये लेस रिएक्टिव मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा। आई बस समझ में, हाँ। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे समझा जाए, सिंपल सा, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन अब जैसे एक हमारा प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट हमने यहाँ दिया, अब इन दोनों में क्या होगा, इनका ए इसके सी के साथ रिएक्ट करेगा और इसका हमारा बी जो इसके डी के साथ, मतलब आपस में एक्सचेंज करते हैं और वो भी किसका, अब ये तो हम ए बी और सी डी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो वहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कैटायंस और एनायंस होंगे, सेकेंड पार्ट में भी कैटायन और एनायंस होंगे, जैसे
ये एग्जांपल अगर देखें, समझ में आएगा बिल्कुल। अगर मान लें कि हमने यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, देखें यहाँ पर भी दो टर्म होने लगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा Na जो है वो Cl के साथ, क्योंकि यहाँ पर सोडियम प्लस OH0-, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो सोडियम का प्लस सेकेंड वाले पार्ट का निगेटिव, यानी कि इस पार्ट का कैटायन Na और सेकेंड पार्ट का एनायन मिल करके कंपाउंड का फॉर्म किया, और यहाँ OH और ये मिल करके एक H2O का फॉर्म कुछ इस तरीके। तो फिर इसको डिफाइन कैसे किया जाए, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, बस ये कह सकते, मतलब आपस में आयंस का क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग करते हैं। तो ये हमारा फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट किए। अब कल के यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसको देखना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि जितना भी हमने कंसेप्ट क्लियर किया उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब अपने फिफ्थ पार्ट जो होगा इस केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस का जो होगा उसमें केवल और केवल इन टोटल टॉपिक्स यानी जो डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, एक्सेट्रा जो अभी तक हमने कंप्लीट किया उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।